दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली ट्रेंडिंग में चल रहे पाइनएप्पल वॉर के बारे में सुना है? चाइना और ताइवान के बीच सालों से बहुत से इश्यूज चलते आ रहे हैं, लेकिन रिसेंटली चाइना और ताइवान के बीच पाइनएप्पल की वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, तो हुआ ये था कि 1 मार्च 2021 को चाइना ने ताइवान से पाइनएप्पल्स लेना बैन कर दिया, वो भी ये कहकर कि पाइनएप्पल्स में हार्मफुल क्रीचर्स थे जो कि चाइना के एग्रीकल्चर को भी हार्म कर सकते थे। लेकिन ताइवान के गवर्नमेंट ने ये आरोप रिफ्यूज करते हुए कहा कि चाइना जानबूझ के ताइवान पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा रहा है ताकि ताइवान चाइना के कंट्रोल में आ जाए। ताइवान से चाइना 30% प्रोडक्ट्स खरीदता है और चाइना के इस डिसीजन से ताइवान पर बहुत बुरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से ताइवान की प्रेसिडेंट टाई इंग वेन ने सोशल मीडिया पर फ्रीडम पाइनएप्पल ये कैंपेन स्टार्ट किया है ताकि ताइवानीज कंज्यूमर्स ये फ्रूट खरीदे और अपना लॉस रिकवर करें।